वाल्मीकि समाज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाल्मीकि समाज आज अनुच्छेद 14 के उल्लंघन पर भारत सरकार से मांग करता है और पार्लियामेंट में ये हमारा प्रस्ताव भी इन्होंने काफ़ी समय से लटकाया हुआ है। जब वाल्मीकि समाज एससी एसटी में आता है पूरे हिंदुस्तान में, तो तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ओबीसी में क्यों, हाँ बैकवर्ड में क्यों? हम कहते हैं जब भारत में सब जगह वाल्मीकि समाज एससी में आता है तो आंध्र और तेलंगाना में ये क्यों अलग? तो सर आपने इसके लिए आंदोलन किया है जी, तो इससे पहले भी आपने आंदोलन किया सर? जी, भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हमने निवेदन किया है, उनको भी ये दे दिया है। अच्छा। और पार्लियामेंट में क्यों अटकाया हुआ है केंद्र सरकार ने? तो अभी तक कोई आपकी मांग पूरी नहीं हुई है? अभी मुझे तो उम्मीद है नहीं, इसीलिए आज सारा वाल्मीकि समाज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये डेमोन्स्ट्रेशन जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं हो रहा है। सर सरकार जैसे आपकी मांगे पूरी नहीं करते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर नहीं होगा तो पूरे देश में जन जागरण करेंगे और सारे वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करके आने वाले समय में हम लोकसभा में भी इसका विरोध करेंगे। आज चुनावों में जंतर मंतर पे जो आंदोलन किया है, इस आंदोलन को देख के लग रहा है कि आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जी जी, लेकिन अगर आपकी मांगे जैसे आज की सुन के नहीं पूरी होती हैं, काफ़ी मीडिया आया हुआ है यहाँ पर, तो आगे आप और बड़ा आंदोलन करेंगे? जी जी, इसके लिए हम अपना जितना भी वाल्मीकि समाज है पूरा भारतवर्ष का सबको एकत्रित करेगा और इस समस्या का बहुत जल्दी निकारण होगा, समाधान होगा, भारत सरकार को भी झुकना होगा। हमारा नाम क्या? महेश गौड़। हमारा घर क्या? तेलंगाना से हैदराबाद वाला। एंड एक्चुअली ఈరోజు మేము తెలంగాణ నుంచి ఢిల్లీ రావడం జరిగింది, ఎందుకంటే బీసీలకి అన్యాయం జరుగుతుంది, అడుగడుగు అన్యాయం జరుగుతుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా ఏ మంత్రి వచ్చినా ఏ ప్రధానమంత్రి వచ్చినా బీసీల బతుకు మారలేదు, కాబట్టి బీసీలకు 50% రిజర్వేషన్ కల్పించాలి, మేమెంతో మాకంత విధంగా కల్పించాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది, కాబట్టి కళ్ళు తెలిసి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు మాకు తగిన రిజర్వేషన్ కల్పించాలని చెప్పి చొరవ తీసుకుంటున్నాం। జై బీసీ। థ్యాంక్ యూ సార్।